हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रिंकू राजपूत, लेक्चरर इन RBS पॉलिटेक्निक बिचपुरी आगरा। CNC मशीन एंड ऑटोमेशन की कंटिन्यूस क्लासेस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये इस लेक्चर सीरीज का कंटिन्यूसी का नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था ऑटोमेशन, ठीक है। ऑटोमेशन क्या रहता है, ऑटोमेशन के टाइप क्या है, उसके बारे में हमने स्टडी करी थी। ये जो चैप्टर चल रहा है हमारा, ये 5th चैप्टर चल रहा है, स्वचालन एंड NC सिस्टम। जो इससे पहले टॉपिक पढ़ा था उसमें स्वचालन क्या होता है, तो स्वचालन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर आधारित उपक्रमों का प्रयोग करके आप उत्पादन क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। फिर हमने उसके टाइप्स पढ़े थे, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं ऑटोमेशन के। अब उससे आगे का आज हम स्टडी करेंगे। जैसे आज पहला टॉपिक है आज का, रीजन ऑफ ऑटोमेशन, यानी स्वचालन के कारण। ऐसे वो कौन कौन से कारण हैं जिनके लिए हमें स्वचालन की आवश्यकता पड़ी, तो उसमें आपका आज का पहला है आपका अधिक और सुगम उत्पादन। अगर आपको अधिक और सरलता से उत्पादन चाहिए तो आप किसका यूज करोगे, ऑटोमेशन का। कम कारीगरों द्वारा सुगमता से अधिक उत्पादन करने में सहायता मिलती है, और हस्तचालित मशीनों की तुलना में स्वचालित मशीनों की क्षमता यानी उत्पादन जो दर होती है बहुत अधिक होती है। अधिक कैसे मिलता है, क्योंकि आपकी जो मशीनें रहती हैं उन पे आपको रिक्वायरमेंट कैसी रहती है, कम कारीगरों की क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है, जिसकी वजह से उन्हें आसानी से काम करने में आसानी होती है, ठीक है। दूसरा है कम वर्कर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें आप किसका यूज कर रहे हो, प्रोडक्शन के लिए आप किसका, मशीनों का यूज कर रहे हो, यानी कम वर्कर की आवश्यकता रहती है। प्रोडक्शन के लिए आप मशीनों का यूज कर रहे हो, तो मशीनें ही आपका प्रोडक्ट का निर्माण कराएंगी, और उन मशीनों को चलाने के लिए सिर्फ आपको कम से कम वर्करों को रखने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट टॉपिक है अधिक सुरक्षित, यानी ये जो आपका ऑटोमेशन प्रोसेस है वो अधिक सुरक्षित है। ऐसे बहुत से उपयोगी किंतु जोखिम वाले प्रोसेस होते हैं, आप सभी जानते हैं ऐसे बहुत से उपयोगी और जोखिम वाले प्रोसेस होते हैं जिन्हें केवल स्वचालन द्वारा ही किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं, एटॉमिक पावर प्लांट का हुआ, स्टीम पावर प्लांट का हुआ, इनमें क्या है, काफ़ी वर्कर अगर यहाँ पे वर्क करेगा तो काफ़ी उसके लिए डेंजर रहेगा, उसकी हेल्थ के लिए और उसकी लाइफ के लिए। तो वहाँ पे जितने भी आपके प्रोसेस किया, प्रोडक्शन प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, आपका ऑटोमेशन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हाई क्वालिटी। स्वचालन से सभी पदार्थ एक ही प्रकार के बनते हैं, यानी आप जो आपकी एरर होती है वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा तो एरर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन आपके मशीनों के द्वारा अगर आपको एक बार अगर आपने कमांड दे दिया कि मुझे 10 डायमीटर का गियर चाहिए, तो आपके सारे गियर कितने आएंगे, 10 डायमीटर के ही गियर बनेंगे, ठीक है। इसलिए उसकी क्या होती है, ज़्यादा गुणवत्ता प्राप्त होती है, ज़्यादा गुणवत्ता मतलब यानी हाई क्वालिटी क्या होती है, प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलीवरी में कम समय। स्वचालन से सभी कार्य शीघ्र और समय सीमा के अंतर्गत हो जाते हैं, आप सभी जानते हो मशीनों से हम जो भी वर्क करते हैं वो जल्दी हो जाते हैं और समय के ही अंदर हो जाते हैं, जिससे कि उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर डिलीवर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन मूल्य में कमी। उत्पादन मूल्य यानी जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है। अधिक उत्पादक और कम लेबर की वजह से वो जो उत्पादन मूल्य वो क्या हो गया, कम हो गया। अब ये समझो ये कैसे, जैसे मेरा कोई वर्कर है किसी फैक्ट्री में, ठीक है, एक फैक्ट्री में 100 वर्कर हैं और एक फैक्ट्री में 2 मशीनें हैं, ठीक है। 100 वर्करों से मुझे 1000 प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो 100 वर्कर एक दिन में प्रोडक्ट बना रहे हैं मेरे 1000, ठीक है, और वहीं पे वो मेरी जो CNC मशीन है 2, वो एक दिन में 100 प्रोडक्ट बना रही है। 100 वर्कर की अगर मैं सैलरी दूंगा, अगर 300 रुपये पर डे से दूंगा, तो कितना हो जाएगा वो आपका 30,000, यानी एक दिन का खर्चा कितना गया, 30,000। अब वहीं पे मैं CNC मशीनों की बात करूं, तो उनमें खर्चा किसका आएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का, और वो आएगा आपके 10,000 से 15,000, यानी इससे क्या हो रहा है, जो उत्पादन का मूल्य हो रहा है वो उसमें भी क्या आ रही है, कमी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम स्क्रैप बनना। कम स्क्रैप का मतलब है यानी वेस्टेज कम निकलना। आप सभी जानते हो जो मशीनों के द्वारा जो काम किया जाता है उसमें आपका जो वेस्टेज होता है कम निकलता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। अगर ह्यूमन बीइंग काम करेगा, कोई प्रोडक्ट बनाएगा, तो वहाँ से वेस्टेज निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जबकि मशीनों से वेस्टेज निकलने के चांसेस कम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो लेबर कॉस्ट। स्वचालन मशीनों से क्या रहता है कि आपकी जो लेबर कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है।
क्या लेबर कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है उत्पादन लीड समय में कमी। स्वचालन से कार्यखंड पर क्रमानुसार लगातार ऑपरेशन होते रहते हैं, आप सभी जानते हो। कोई ऑटोमेटिक मशीन है, उस पर आपका एक प्रोडक्ट पे कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा, चौथा, ऐसे बारी बारी से आते रहेंगे, जिससे क्या होता है लगातार ऑपरेशन होते रहते हैं, जिससे उत्पादन का जो लीड टाइम है, लीड यानी ऑपरेशन वाला जो टाइम है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमें आपका ऑटोमेशन का यूज करना पड़ता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, MCQ सुनो, इनमें से कौन सा ऑटोमेशन का कारण नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑटोमेशन का कारण नहीं है। आपके एक दो इनमें से कोई तीन दे रखे होंगे और चौथा एक अलग होगा, तो आपको चौथे पे टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरिट ऑफ ऑटोमेशन, यानी ऑटोमेशन की जो आपकी अच्छाइयाँ हैं, यानी उसकी क्या क्या अच्छाइयाँ, यानी मेरिट है, ठीक है। पहला है आपका कार्य घंटों में कमी कर देता है। आप जानते हो ऑटोमेशन में जितना भी आपका प्रोडक्शन होता है वो मशीनों के द्वारा होता है, जिससे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता है, प्रोडक्ट निकलते हैं, जिससे कि जो वर्किंग आवर हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दुर्घटनाग्रस्त मानव क्षति में कमी। आप जानते हो जब कोई मनुष्य काम करेगा किसी फैक्ट्री में, तो वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ तो क्षति किसे होगी, इंसान को होगी। और वहाँ पे आप उस इंसान की जगह अगर आप मशीनों का यूज करोगे, अगर वहाँ पे कोई रेयर में अगर कोई ऑपरेशन होता है या एक्सीडेंट होगा तो वहाँ पे अगर कोई मानव ही नहीं होगा, क्योंकि मशीन काम कर रही होंगी, तो उसकी वजह से मानव को दुर्घटना नहीं होगी, यानी मानव को चोटें नहीं लगेंगी। नेक्स्ट है दुर्गम प्रक्रियाएँ संभव। दुर्गम का मतलब है डिफिकल्ट प्रोसेस, ठीक है। ऐसी प्रक्रियाएँ जो मानव द्वारा करानी संभव ना हो, क्या ऐसी प्रक्रियाएं जो मानव द्वारा करानी संभव ना हो, उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑटोमेशन का। और ये प्रक्रिया कौन कौन सी होती हैं, आपकी एटॉमिक रिएक्शन हुई, और अधिक ताप पर आपको फोर्जिंग करनी है, जैसे स्टील पावर प्लांट में आप किसका यूज करते हो, ऑटोमेशन का, क्योंकि वहाँ पर आपका ये कैसे प्रोसेस है, आपके प्रोडक्शन के काफ़ी हार्मफुल है, यानी डेंजर है, यहाँ पे आपका एक मनुष्य काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। रेडियो एक्टिव में एटॉमिक रिएक्शन में आपका रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं, जिससे मनुष्य की इनर पार्टिकल्स, लंग्स, हार्ट, ये क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और जबकि स्टील पावर प्लांट में, जो स्टील का पावर प्लांट होता है, वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वर्कर काम नहीं कर पाते। उसके लिए वहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है आपकी ऑटोमेशन की। नेक्स्ट है रिजेक्शन में भारी कमी हो जाना। रिजेक्शन का मतलब है यानी किसी प्रोडक्ट को रिजेक्ट करना, क्योंकि मनुष्य द्वारा जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें गलती की संभावना अधिक रहती है, जबकि मशीनों के द्वारा गलती की संभावना ना के बराबर रहती है, ठीक है। तो इसलिए जो आपके प्रोडक्ट होते हैं उन्हें रिजेक्ट बहुत ही कम किया जाता है। नेक्स्ट है गुणवत्ता में सुधार, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोजगारी में सुधार, स्वचालित उद्योगों की बढ़ोतरी होती है, जिससे उसमें रोजगार मिलने के अवसर बढ़ते हैं, क्योंकि रोजगारी में सुधार होगा। पहले क्या था, जैसे आपका एक लेबर है, लेबर को अगर आपका 100 मंजिल बिल्डिंग का, अगर आपका कोई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, तो लेबर क्या करती थी पहले आपका, कि आपके सिरों पे रख के जो आपका अभी वेस्ट मटेरियल होता था या आपके चंबल बालू, वो उठा के ऊपर ले जाती थी। लेकिन अब मशीनों के द्वारा वही लेबर क्या कर रही है, उसे आसानी से ऊपर फ्लो कर पा रही है, जिससे क्या रोजगारी में क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है, क्या रोजगारी में क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है, ठीक है। ये थे आपके मेरिट ऑफ ऑटोमेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका डीमेरिट ऑफ ऑटोमेशन, यानी ऑटोमेशन की क्या क्या हानियां हैं, ठीक है। जैसे पहला है ऑटोमेशन से क्या होती है आपकी आप जानते हो मशीनों का अधिकतर यूज होने लगा है, जिससे क्या है आपकी बेरोजगारी बढ़ने लगी है, क्योंकि एक मशीन जो भी आपकी रोबोटिक या कोई भी CNC मशीन होती है, वो लगभग 20 से 30 वर्कर के बराबर काम करती है, जिससे कि आपकी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है मानव कौशल में कमी, श्रमिकों को अपना कौशल दिखाने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे मशीनें काम कर रही हैं, जिससे कि श्रमिकों को अपना कौशल दिखाने का कोई वक्त ही नहीं मिलता है। जैसे मैं बात करूँ बुनकरों की, जैसे पहले ज़माने में क्या थे, आपके जो बुनकर थे वो सुई धागे से आपकी पेंटिंग डिजाइन बनाते थे, तो उनसे क्या था, उनके कौशल की जगह जगह पे तारीफ होती थी। अब वही काम कौन कर दिए, आपकी CNC मशीनें कर दिए, जिससे कि जो भी आपके वर्कर थे उन्हें अपना कौशल दिखाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका प्रारंभिक लागत क्या रहती है अधिक, यानी जो इसकी इनिशियल कॉस्ट होती है जो आपकी ऑटोमेटिक मशीन की, वो क्या रहती है, काफ़ी हाई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई रहती है। जब आप किसी सीएनसी मशीन का जो मेंटेनेंस कराते हैं वो क्या आता है, काफ़ी हाई आता है। क्या? क्योंकि ये मशीन कैसी रहती है, आपकी ज़्यादा जटिल होती है और इसके जो पुर्जे रहते हैं यानी जो पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं, इसीलिए इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो क्या रहती है, अधिक रहती है। ठीक है, ये हो गए आपके मेरिट, रीजन, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ ऑटोमेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑटोमेटिक असेंबली सिस्टम, इसे हिंदी में बोलते हैं स्वचालित असेंबली तंत्र। क्या? स्वचालित असेंबली तंत्र। किसी असेंबली लाइन में यदि मानव के स्थान पर स्वचालित मशीनें कोई कार्य करने के लिए प्रयोग की जाती हैं तो उसे ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम कहते हैं। क्या? सिंपल सी भाषा में ये, मानव की जगह जब कोई मशीनें काम करती हैं तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं, ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम। और इस सिस्टम का अधिकतर यूज हो रहा है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। आपने कभी टीवीओ में देखा होगा या डिस्कवरी या यूट्यूब पे आप देखते हो, कभी आप डालना प्रोडक्शन कैसे होता है कार का, तो आप वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे जो भी ज़्यादा अधिकतर प्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, रोबोट के द्वारा यानी मशीनों के द्वारा। तो उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम। क्या? ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम। अब नेक्स्ट है आपका, जो ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम होते हैं वो कितने टाइप के रहते हैं। क्या? ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम जो रहते हैं वो कितने प्रकार के रहते हैं। बेसिकली जो ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। क्या? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह इस सिस्टम को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया, यानी ये दो टाइप के रहते हैं। फर्स्ट वन, प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली विधि के अनुसार। यानी पहला टाइप कौन सा है इसमें, प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह हम कैसे ले जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और दूसरा है आपका असेंबली सिस्टम की भौतिक संरचना के आधार पर। एक है यानी जो आप सिस्टम यूज कर रहे हो, क्या, जो सिस्टम आप यूज कर रहे हो उसके अनुसार आपका जो असेंबली सिस्टम है वो कितने प्रकार का रहता है। तो पहला सिस्टम है आपका प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली विधि के आधार पर, ये आपके चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन रहता है कंटिन्यूस ट्रांसफर सिस्टम, सिंक्रोमनस ट्रांसफर सिस्टम, थर्ड वन असिंक्रोमस ट्रांसफर सिस्टम, फोर्थ वन स्टेशनरी बेस पार्ट सिस्टम। ये जो आपके चार टॉपिक है, ये आगे अभी मैं आपका एक चैप्टर पढ़ाऊंगा पार्ट प्रोग्रामिंग। क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं आपका, पार्ट प्रोग्रामिंग। तो इन चारों को मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा इनके बारे में कि ये कैसे वर्किंग करते हैं। ठीक, अभी मैं इन चारों को नहीं करा रहा हूँ, और इन्हें मैं आगे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा इस चैप्टर के बाद वहाँ पे मैं इसे कराऊंगा। और आज हम स्टडी करेंगे असेंबली सिस्टम की भौतिक संरचना के आधार पर, यानी भौतिक संरचना जो फिजिकल आपका स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पर जो असेंबलिंग सिस्टम होते हैं ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम, उनकी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये भी चार प्रकार के रहते हैं, और भौतिक संरचना के आधार पर ये भी चार प्रकार के होते हैं। ये चार प्रकार कौन कौन से रहते हैं, पहला है डायल टाइप असेंबली मशीन। क्या? डायल टाइप असेंबली मशीन। दूसरा है इन लाइन टाइप असेंबली मशीन, इन लाइन टाइप असेंबलिंग मशीन। थर्ड है आपका क्राउजल असेंबली सिस्टम, क्राउजल असेंबली सिस्टम, क्राउजल असेंबली सिस्टम। फोर्थ वन है आपका सिंगल स्टेशन असेंबली मशीन, सिंगल स्टेशन असेंबली मशीन। क्या? सिंगल स्टेशन असेंबलिंग मशीन। तो पहला जो टाइप है आपका भौतिक संरचना के आधार पर वो है आपका डायल टाइप असेंबली मशीन सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, यानी भौतिक संरचना के आधार पर पहला है आपका डायल टाइप असेंबली सिस्टम। क्या? डायल टाइप असेंबली सिस्टम। इसमें मुख्यतः एक वृत्ताकार क्या रहता है, डायल रहता है, यानी इस सिस्टम में एक वृत्ताकार डायल होता है जो इसका एक मुख्य अंग होता है। ठीक है, जो क्या रहता है, इसका एक मुख्य अंग होता है। इस बेस पार्ट में लगे फिक्चर में विभिन्न अंग पकड़े जाते हैं, और इसमें डायल सिक्रोन्स गति में घूमता रहता है। सिक्रोन्स का मतलब यानी अति परवलयकार में। ठीक है, अब देखो समझो, इसमें क्या रहता है, एक वृत्ताकार डायल रहता है। देखो ये आपको पूरा दिख रहा है, ये है डायल। क्या है? ये है डायल। ठीक है, इसमें क्या रहता है, ये आपका फिक्चर रहता है। क्या? फिक्चर।
ये क्या रहता है आपका, ये आपका फिक्चर रहता है, ठीक है, ये आपका जो भी है फिक्चर रहता है, ठीक है। अब ये क्या रहता है, देखो ये मैंने एरो बनाए, ये क्या कर रहा है आपका, घूम रहा है, और इस फिक्चर पे क्या फिक्स रहता है आपका, वर्क पीस ये, और ये क्या रहता है, लोड और अनलोड, यानी आपका जैसे प्रोडक्ट बने, ठीक है, वर्क पीस बने, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे टूल्स लगे रहते हैं, यहाँ पे टूल्स लगे रहते हैं, टूल्स क्या रहते हैं इसमें फिक्स रहते हैं, ये क्या जाएगा इसमें, यानी छः एक प्रोडक्ट कोई बन रहा है, ठीक है, वो प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 छः प्रोसेस में पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लगाया, ठीक है, डब्ल्यू एस वन यहाँ पे आया, वन ये वन यहाँ पे गया, एक ऑपरेशन हुआ, यहाँ पे गया दो ऑपरेशन हुए, यहाँ पे गया तीसरा, यहाँ पे गया चौथा, यहाँ पे आया पांचवा, यहाँ पे आया छठा, और यहाँ पे उसे हटा दूंगा, जैसे ये प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट तो यहाँ पे मैं दूसरा कोई वर्क पीस लगा दूंगा। सेम ऐसे ये आपका क्या रहेगा, घूमता रहेगा, इसे बोलते हैं डायल टाइप असेंबली मशीन, क्या, डायल टाइप असेंबली मशीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन लाइन असेंबली मशीन, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इसमें जो ऑटोमेटेड वर्क स्टेशन क्या रहते हैं, इन लाइन का मतलब एक सीधी रेखा में रहते हैं, इसमें ऑटोमेटेड वर्क स्टेशन एक सीधी रेखा में होते हैं, और इसमें तीन विधि प्रयोग की जाती है, एक है कंटिन्यूस, एक सिंक्रोनस, एक असिंक्रोनस। इसमें क्या रहता है, जैसे आपकी ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है, वर्क पीस पहले वन, ठीक है, ये आपका चल रहा है, यहाँ पे आपका टूल यहाँ पे लगा है, वन टू, ठीक है, और वर्क पीस आया यहाँ पे, ठीक है, वर्क पीस, ये वर्क पीस है, इसमें जो आपका जो वर्किंग होगा ना वो एक सीधी सिंपल लाइन में होगा, जैसे डायल वाला है, ये डायल वाला, इस डायल वाले को मैं पूरा खोल दूँ, क्या करूँ, पूरा खोल दूँ, और जैसे यानी यहाँ से मैं इसे खोल के पूरा ऐसे ही एक सीधी लाइन में हो जाए, यही कहलाएगा आपका क्या, इन लाइन असेंबली मशीन सिस्टम, ठीक है, क्या, इन लाइन असेंबली मशीन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है क्राउजल असेंबली मशीन, क्या, क्राउजल असेंबली मशीन, बेसिकली क्राउजल असेंबली मशीन में कुछ नहीं होता, ये क्या रहता है आपका, डायल का, क्या, डायल और इनलाइन, यानी सर्कुलर और लाइनिंग सिस्टम का क्या रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है, क्या, कॉम्बिनेशन रहता है, यह डायल और इन लाइन को मिलाकर बनाई जाती है, क्या, बनाई जाती है, इसमें वर्कपीस एक सर्कुलर फ्लो लाइन पर पकड़ा जाता है, यह मेथड सेमी ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम में प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, यानी वो कौन सा असेंबली मशीनिंग प्रोसेस है जो सेमी ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम में प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या डालोगे, क्राउजल, क्या, क्राउजल, ठीक है, क्राउजल, ठीक, क्राउसल, सॉरी, क्राउसल। नेक्स्ट है आपका सिंगल स्टेशन असेंबली मशीन, यानी चौथा नंबर फोर, जो आपकी भौतिक संरचना के आधार पर है, यानी लास्ट, ठीक है, इसमें क्या रहता है, यह मेथड स्टेशनरी बेस पार्ट सिस्टम के समान होती है, ठीक है, स्टेशनरी यानी बिल्कुल ये फिक्स रहती है, स्टेशनरी जो बेस पार्ट सिस्टम के समान होती है, यहाँ पर बेस पार्ट को एक ही स्थान पर रखकर दूसरे पार्ट उसमें असेंबलिंग किए जाते हैं, इसमें रोबोट्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या रहता है, अब इसे समझो, जैसे ये क्या रहता है, इसे एक ही सिस्टम रहेगा, जैसे एक जगह यहाँ पे मशीन है, ठीक है, इधर समझो, पहले यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, ये क्या है आपकी मशीन है, यानी ये क्या, सॉरी, ये आपका इस तरीके से आपका ये क्या है, रोबोट, ठीक है, रोबोट आर, ये क्या है, रोबोट, ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, यानी बेस में फिक्स रहेगा ये, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे कोई मेरी कार आई, ठीक है, ये क्या थी, कार आएगी मेरी यहाँ पे, तो ये कार जैसे इसके पास आएगी तो इसके पास ऑलरेडी कुछ पार्ट्स होंगे, पहले किसी भी प्रोडक्ट में इस पार्ट्सों को लगाने के लिए कौन से यूज के सिस्टम का यूज करते हैं, वो रहता है आपका सिंगल स्टेशन असेंबली मशीन सिस्टम। इसमें क्या रहेगा, ये कार आई, इसमें नट बोल्ट कसने हैं आपको, टायर लगाने, तो वो कौन लगाएगा, वो लगाएगा आपका रोबोट। इसका यूज करते हैं आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा, इसमें रोबोट का प्रयोग किया जाता है जो कि आपकी मशीनों में या प्रोडक्ट में नट बोल्ट को लगाता है, ठीक है। ये हो गए आपके भौतिक संरचना के आधार पर मशीन सिस्टम, असेंबली मशीन सिस्टम, और एक स्थान से दूसरे स्थान के आधार पर वो आपके चार प्रकार के होते हैं, उन्हें मैं आगे आपका कराऊंगा। यहाँ से आपको बस इनके नाम याद रखने हैं, यानी कौन सा सिस्टम है, इनमें से एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे बनेगा, भौतिक संरचना के आधार पर इनमें से असेंबली सिस्टम कौन सा नहीं है, तीन तो इसमें से दे देगा और एक दे देगा आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले के अनुसार, तो आपको वो वाला टिक करना होगा, ठीक है। और आज का लास्ट टॉपिक है हमारा पार्ट फीडिंग डिवाइस, इसे हिंदी में बोलते हैं पुर्जा भरण
क्या पुर्जा वरण युक्ति या डिवाइस, डिवाइस क्या पुर्जा वरण डिवाइस, ठीक है इसे समझो। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, इसका पहले पुर्जा वरण का डिवाइस का मतलब है जो भी आपकी कोल्ड ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग होती है, पेप्सी की, टी की, चाय की पत्ती की, चाय की पत्ती आपकी बनेगी, उसकी पैकेजिंग होगी, एक बेल्ट सिस्टम से होके रन पे गुजरेगी, फिर उसके लेबर लगेंगे, वहाँ पे आप इस पार्ट फीडिंग डिवाइस का यूज करते हो। इसका भी फिगर दिखाऊंगा मैं आपको, पहले इसे समझ लूँ। असेंबली क्या असेंबली कार्यस्थल के पुर्जे फीड करने के लिए, क्या असेंबली कार्यस्थल के पुर्जे फीड करने के लिए जो मशीन प्रयोग की जाती है उसे पार्ट फीडिंग डिवाइस कहते हैं। जैसे मैं बात करूँ आपकी चाय की पत्ती, उसमें मेन मटेरियल क्या रहता है आपका, चाय की पत्ती। अब उसके पुर्जे क्या क्या रहते हैं, उसे डिब्बे में डालना, उसे चिपकाना, उसकी पैकेजिंग करना, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, वो कहलाता है आपका पार्ट फीडिंग डिवाइस, ठीक है। अब इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, ये कंपोनेंट समझो, पहले कंपोनेंट समझ लूँ फिर मैं आपको फिगर दिखाऊंगा। पहला रहता है हॉपर, दूसरा रहता है पार्ट फीडर, तीसरा रहता है सेलेक्टर ओरिएंटर, चौथा रहता है फीड ट्रैक और पांचवा रहता है एस्केपमेंट एंड प्लेसमेंट डिवाइस। हॉपर, पार्ट फीडर, सेलेक्शन एंड ओरिएंटर, फीड ट्रैक, एस्केपमेंट एंड प्लेसमेंट डिवाइस, ठीक है। इसका फिगर देखो आप, ये देखो ये रहा, ये फिगर है, ठीक है। हॉपर, ये हॉपर है, हॉपर के बाद क्या है आपका सेलेक्टर, सेलेक्टर के बाद क्या है फीड ट्रैक है, फीड ट्रैक के बाद क्या है एस्केपमेंट एंड प्लेसमेंट, ठीक है। और यहाँ पे आपका वर्क क्या हो जाएगा, वर्क कैरियर यानी कैरियर चला जाएगा, ठीक है। अब हॉपर क्या है, ये आप फिगर समझ लो। देखो हॉपर में इसमें क्या रहते क्या है, ठीक है। पहले हॉपर में देखो, हॉपर में मटेरियल आएगा, पहले इसे ऐसे हटा दूँ मैं, हाँ आप समझो, हॉपर में कोई मटेरियल आएगा, ठीक है। मटेरियल आपने चाय की पत्ती की डाली, ठीक है। सेलेक्टर क्या करेगा, उस चाय की पत्ती को चेक करेगा कि उनमें से कौन कौन सी सही है, ठीक है। चाय की पत्ती को चेक करेगा, या सिंपल इतना समझो, यहाँ पे आई कोको कोला की मशीनें आई, ठीक है, कोको कोला की बोतल आई, सेलेक्टर क्या करेगा उन मशीनों को चेक करेगा कि उस किसी पे लेबल लगा है कि नहीं लगा, कि क्या हो रहा है, कि किसी में कोई कमी नहीं है। सेलेक्टर क्या करेगा, जैसे चेक कर लेगा फिर मशीनों को फीड ट्रैक पे दे देगा, और बाकी की मशीनों को सेलेक्टर अगेन किस में डाल देगा, हॉपर में डाल देगा। फीड ट्रैक से होती हुई मशीनें कहाँ पर जाएंगी आपकी, एस्केपमेंट में, ठीक है। कहाँ पर चली जाएंगी आपकी, एक मिनट होगी, ठीक है। फीड ट्रैक से होती हुई मशीनें कहाँ पर चली जाएंगी आपकी, एस्केपमेंट में, ठीक है, दिखाई दे रहा है, एस्केपमेंट में चली जाएंगी, एस्केपमेंट एंड प्लेसमेंट में। यहाँ पे क्या रहता है, इसके द्वारा ये क्या रहता है, साइकिल टाइम के अंदर जो भी आपके प्रोडक्ट फीड ट्रैक से आते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप, एस्केपमेंट का मतलब, एस्केप का मतलब बाहर निकालना, फीड ट्रैक से जो भी प्रोडक्ट आते हैं उन्हें बाहर निकालना और उन्हें सही जगह पर रखना, यानी उन्हें सही जगह पर रखना, वो काम रहता है एस्केपमेंट एंड प्लेसमेंट का, क्या एस्केपमेंट एंड प्लेसमेंट का, ठीक है। देखो एक बार पूरा समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, देखो इसमें ये पूरा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसे, हॉपर, हॉपर क्या रहता है, ये आपका कोई भी सब, हॉपर एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आपका जो प्रोडक्ट होता है या मटेरियल होता है उन्हें सीधा इसी के अंदर डाला जाता है, ठीक है। हॉपर क्या होता है, इसी के अंदर डाला जाता है, हॉपर में आपका पार्ट इम्प्रोबली ओरिएंट आर फीडबैक इनटू द हॉपर, ये सेलेक्टर का काम रहता है, ठीक है, ठीक है। ये हॉपर में आपका प्रोडक्ट चलेगा, ठीक है, हॉपर में भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब आएगी बारी सेलेक्टर की, हॉपर से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो किस में जाएगा, सेलेक्टर में। सेलेक्टर उस प्रोडक्ट को क्या करेगा, चेक करेगा कि आपका प्रोडक्ट सही है कि बेकार। अगर प्रोडक्ट सही है तो उसे कहाँ पे कनेक्ट कर देगा, भेज देगा फीड ट्रैक पे, और जो प्रोडक्ट ख़राब है उसे किस में डाल देगा, अगेन हॉपर में, कि आपका वो प्रोडक्ट वापस ढंग से आ सके, ठीक है। अब सेलेक्टर का काम हो गया, हॉपर का हो गया, अब काम हो गया फीड ट्रैक का। फीड ट्रैक क्या कहती है, ये आपकी हॉपर से कनेक्टेड रहती है, किसी हॉपर से कनेक्टेड रहती है और असेंबली कार्यस्थल पर भेजती है किसी प्रोडक्ट को, हॉपर से असेंबली कार्यस्थल पर किसी प्रोडक्ट को भेजती है। इसका काम क्या रहता है, इसका काम रहता है हॉपर से जो भी आपका प्रोडक्ट आ रहा है उसे असेंबली लाइन में भेजना, ठीक है, असेंबली लाइन में भेजना, ठीक है, फीड ट्रैक, ठीक है।
और इसका एक और मेन काम रहता है, अगर कोई सही पार्ट्स हॉपर से कार स्टेशन तक ले जाते हैं, ठीक है, फीड ट्रैक का जो मेन काम रहता है ऊपर से हॉपर से प्राप्त किसी प्रोडक्ट को कहाँ तक ले जाना, वर्किंग एरिया तक। फीड ट्रैक पर डिजाइन किया जाता है, इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपका गिर गया हो या टेढ़ा वेढ़ा हो गया हो तो फीड ट्रैक क्या करेगा, उन्हें उनकी सही पोजीशन में क्या कर देगा, रख देगा। जैसे कोई पानी की बोतल है वो सीधी खड़ी होनी चाहिए फीड ट्रैक पर, ठीक है, जब तो उसकी पैकेजिंग होगी, जबकि वो गिर गई है, ठीक है, वो गिर गई है तो फीड ट्रैक क्या कर देगा, उस पानी की बोतल को अगेन सीधा खड़ा कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है एस्केपमेंट एंड प्लेसमेंट। एस्केपमेंट का जो काम रहता है फीड ट्रैक से प्रोडक्ट को बाहर निकालने का रहता है, यानी फीड ट्रैक पे यहाँ पे आ गया, फीड ट्रैक पे आपका प्रोडक्ट, अब इस प्रोडक्ट को यहाँ से वो निकाल लेगा और निकालने के बाद उसे अपनी सही इस जगह पे लगाने का काम किसका रहता है, प्लेसमेंट का रहता है। किसका रहता है, प्लेसमेंट का रहता है, ठीक है। ये काम रहता है पर्यावरण युक्ति का। इसका यूज करते हैं आपके जो कोल्डिंग की मशीनें हुई, आपकी कोल्डिंग के जो प्लांट रहते हैं, ठीक है, पानी के जो प्लांट रहते हैं, बिस्किटिंग के जो प्लांट रहते हैं, फूड प्रोडक्ट जो रहते हैं, वहाँ पे इस युक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आपके जिन मित्रों को वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है उनसे बोलें कि हमारे YouTube चैनल जो डेली लेंसर है उसे सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।